दोस्तों अगर आप SBI CSP है तो आपके पास जो है नए पुराने बहुत सारे ग्राहक होंगे, कस्टमर होंगे, उनमें से जो है ATM रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको सुनने को मिलता है जिसका जवाब आपको देना पड़ता है। आज मैं बात करूंगा, अगर कोई पुराना बंदा जिनका ATM ऑलरेडी था, उन्होंने जो ATM गुम कर दिया, उसके बाद दोबारा ब्रांच पे जाकर ATM अप्लाई किया, तो वो क्या करता है, ब्रांच पे जाता नहीं है। अगली बार नेक्स्ट टाइम आपके पास आते हैं, आके बोलते हैं मेरा ATM कार्ड इश्यू हुआ कि नहीं, आप देख दीजिए या तो चेक कीजिए, या तो किसी का अगर डेट जो है एक्सपायर हो गया, यानी कि डेट ओवर हो गया, पुराना ATM का 5 साल का डेट रहता था, तो दोबारा क्या होता है, री इश्यू हो जाता है ऑटोमेटिक। जो भी SBI कस्टमर है उनका ATM एक्सपायर होने के बाद ऑटोमेटिक जो कंपनी के द्वारा, बैंक के द्वारा उसको री ऑटोमेटिक उसको नया बना के पोस्ट ऑफिस में भेज दिया जाता है। तो उसका जो है कस्टमर कभी कभी आपके पास आते हैं, आके बोलते हैं मेरा नया ATM इश्यू हुआ कि नहीं, मेरा नया ATM आया कि नहीं, आप चेक कर दीजिए। तो जो है हमारे SBI CSP के जो ID है, जो हमारा वेबसाइट है Kiosk वेबसाइट, वहाँ पे ऐसा कोई चेक करने की जगह नहीं है, ऐसा कोई सर्विस नहीं है कि हम वहाँ पे चेक करें जो आपका ATM आया कि नहीं, यानी कि ATM सर्च करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमारे पास और एक ऑप्शन है जिसके जरिए हम थोड़ा सोच सकते हैं, जिसके जरिए हम उसको ढूंढ सकते हैं, है उनके नाम पर इश्यू हुआ कि नहीं। तो वो जो ऑप्शन है मैं आज आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे CSP को पता है, सबको ही पता है, जो नए CSP है उनको पता नहीं है। 100 में से 90 लोगों को पता है, 10 लोगों को पता नहीं है। तो मैं सोचा ये वीडियो 10 लोगों के लिए है जो नया CSP है, उनको जो है थोड़ा मेरा वीडियो देखने के बाद उनको भी ये बातें मालूम पड़ जाएगा। तो नया या पुराना जो भी हो, ATM कार्ड इश्यू होने के बाद उसको आप कैसे सर्च करोगे, चलिए मैं आपको डिस्प्ले पर लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमारे SBI CSP वेबसाइट पर जाओ, जैसे हम लॉगिन करते हैं हमारे ID पासवर्ड डाल के, उसके बाद में हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसमें से हम लोगों को लेफ्ट साइड में जो हमारा यूज़र ID रहता है उसके बगल में एक ऑप्शन मिलता है ATM कार्ड सर्विस, ATM कार्ड ब्लॉक सर्विस। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे खुल गया और यहाँ पे बताया जा रहा है ATM कार्ड ब्लॉक सर्विस। इस सर्विस पर जाकर हम किसी बंदे का ATM कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ भी हम अपने जो दिमाग से, यानी कि अपने तरीके से हम जान सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम जैसे सर्विस टाइप पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है ATM कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और आधार कार्ड नंबर। यानी कि किसी बंदे का अगर आपको ATM कार्ड ब्लॉक करना है, आप ATM नंबर डाल के भी, अकाउंट नंबर डाल के भी या आधार कार्ड नंबर डाल के किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप उसका ATM कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं, अगर उनका ATM खो गया, वो अगर वो कस्टमर ब्लॉक करना चाहते हैं। तो इसी जगह पे अगर कोई नया कस्टमर आते हैं जो आके बोलते हैं मेरा ATM कार्ड इशू हुआ कि नहीं, वो आप पहले चेक कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, अकाउंट नंबर डाल के मैं आपको दिखाता हूँ, एक अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ। डालने के बाद हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, अकाउंट नंबर डाल दिया तो इसके बाद में जो है यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट आने तक हम वेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ गया और बताया जा रहा है नो रिकॉर्ड फंड, प्लीज एंटर वैलिड डिटेल्स। यानी कि ऐसा बताया जा रहा है, ये जो है नो रिकॉर्ड फंड दिखाया यहाँ पे, यानी कि इस कस्टमर के नाम पर कोई ATM कार्ड है ही नहीं, तो हम कैसे ब्लॉक करेंगे। तो इसमें हमको क्या पता चलता है कि इस कस्टमर का कोई ATM कार्ड है नहीं। तो अगर सामने वाला कस्टमर आपसे क्वेश्चन करते हैं मेरा ATM कार्ड इशू हुआ कि नहीं, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं आपके नाम पर कोई ATM कार्ड इशू हुआ नहीं, तो आप ब्रांच पे जाइए, दोबारा आप फॉर्म दीजिए, या तो पहले उन्होंने फॉर्म दे के आया था तो उनको बोलिए आपने जो फॉर्म दे के आया था वो काम हुआ नहीं, और दोबारा बैंक ब्रांच पे जाइए, बैंक पे जाके बोलिए अप्लाई करने के लिए, या आप फॉर्म भेज दीजिए या आप खुद कर दीजिए। लेकिन और एक आपको दूसरा नंबर मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखाऊंगा, ये मेरा खुद का अकाउंट है जो मेन ब्रांच का अकाउंट है, मेन ब्रांच का अकाउंट में भी ATM कार्ड इशू है कि नहीं वो भी यहाँ पे आपको दिखाएगा। चलिए ये देखिए यहाँ पे अभी अकाउंट नंबर डाल के जैसे हमने सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर हमको XXXX और लास्ट में 2-3-4 अक्षर जो अंश जो है 4 डिजिट 4 डिजिट हमको यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमको ऐसे ही कैजुअली पता चल गया कि मेरा अकाउंट पर ATM कार्ड ऑलरेडी इशू है। तो सामने वाला कस्टमर आएगा तो हम उनको बोल सकते हैं कि आपका अकाउंट नंबर डाल के देखा था आपके नाम पे ATM कार्ड इशू हुआ है, आप जो है पोस्ट ऑफिस पे खबर कीजिए या टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके ट्रैकिंग नंबर लीजिए या तो ब्रांच पे जाके ट्रैकिंग नंबर लीजिए।
तो अगर इसी जगह पे हम लोग का ट्रैकिंग नंबर डालने के लिए कुछ ऑप्शन देते थे, ट्रैकिंग नंबर ढूंढने के लिए अगर कुछ ऑप्शन देते बहुत ही बेहतर होता हम सभी SBI CSP ग्राहक के लिए भी और हमारे SBI CSP के लिए भी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर सर्च करने का एक ऑप्शन आए। तो इसी तरह जो है आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट नंबर डाल के उनके परमिशन लेकर आप देख सकते हैं उनके जो है ATM कार्ड इशू हुआ कि नहीं, चाहे वो पुराना हो, चाहे उनका एक्सपायरी वाला ATM एक्सपायरी होने के बाद नया आते हैं वो, चाहे वो ब्रांच पे जाकर अप्लाई किया लेकिन उनको अभी तक मिला नहीं, तो आप जो है उनको बोल सकते हैं आपका ATM कार्ड इशू हुआ या नहीं। तो इस तरह आपको जो है ATM कार्ड का डिटेल्स आपको फाइंड करना है। तो आज की वीडियो में यही था। इसी तरह अगर आपको SBI CSP रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।